वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम का डिटेल स्टडी किया था एंड उसमें जो कन्वर्जन थे तो उस पर हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे एंड स्टेप्स भी देखे थे, ठीक है। जैसे ऑक्टेडेबल मेथड, देन फ्रैक्शनल ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन इन डेसिमल, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट कन्वर्जन हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे ऑक्टल नंबर सिस्टम का। तो आज के वीडियो में हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जो हमारा फोर्थ टाइप ऑफ नंबर सिस्टम है, हम उसको डिटेल स्टडी करेंगे उसका एंड उसमें जो अलग अलग कन्वर्जन है उस पर हम स्टेप्स लेके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, फोर्थ टाइप ऑफ नंबर सिस्टम इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो दिस नंबर सिस्टम ऑफर्स एन एडवांटेज ओवर ऑक्टल सिस्टम इन द सेंस दैट फोर बिट्स आर ग्रुप टुगेदर टू रिप्रेजेंट अ हेक्साडिजिट, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में ग्रुपिंग जो होता था, ऑक्टल का जो बेस था दैट इज 8 एंड द ग्रुपिंग ऑफ बिट्स विल बी 3। जैसे हमने देखा था B0 B1 B2, क्योंकि डिजिटल में स्टार्टिंग होता है 0 से, ठीक है। सो B0 B1 एंड B2, तो ग्रुपिंग जो होगा ऑक्टल में वो 3 डिजिट्स का होगा या 3 नंबर्स का होगा, ठीक है। आगे इंटर कन्वर्जन में हमें लगेगा, ये ग्रुपिंग वाला पार्ट भी लगेगा कन्वर्जन में। तो ये ध्यान में रखना कि ऑक्टल में जो ग्रुपिंग होता है दैट इज़ यूज फॉर द 3 बिट्स, ठीक है। एंड जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसका जो बेस है वो अभी हम देखेंगे 16 है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो ग्रुपिंग होता है दैट इज ग्रुपिंग इज ऑफ 4 ऑफ 4 बिट्स, ठीक है। सो दैट इज़ फ्रॉम B0 B1 B2 एंड लास्ट वन इज B3। सो इन शॉर्ट इट विल बी फ्रॉम B0 to B3, क्योंकि अगेन सेम वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, दिस इज 1 2 3 एंड 4, ठीक है। B0 B1 B2 एंड B3, ठीक है। सो B0 to B3 दैट इज़ अ 4 डिजिट्स का जो ग्रुप्स रहेगा या बिट्स का जो ग्रुप रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ हेक्साडेसिमल डिजिट्स और हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। एज अ रिजल्ट मोर क्रंचिंग इज पॉसिबल ऑफ बाइनरी डिजिट्स, दिस नंबर सिस्टम इज मोस्ट वाइडली यूज इन माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज मोस्टली यूज इन माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है, MIC, जिस तरह से माइक्रोकंट्रोलर, माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर में होते हैं, ठीक है। माइक्रोकंट्रोलर में भी सेम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज होता है, ठीक है। आप लोगों नेक्स्ट ईयर में आपको सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर, तो वहाँ पे भी डिजिटल का कुछ पार्ट लगेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपको ध्यान से स्टडी करना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये बेस है। माइक्रोप्रोसेसर में आपको कोई समझाएगा नहीं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, उसे किस तरह से सॉल्व करना है, तो ये बेस है, ठीक है। तो ये बेस पक्का होगा तो वहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम हायर कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल डिजिट्स कैसे यूज़ होता है माइक्रोप्रोसेसर कोडिंग में, ठीक है। तो वहाँ पे ये टाइम नहीं कि व्हाट इज़ बाय हेक्साडेसिमल, तो ये अभी पढ़ना है आपको बेसिक चीज़, ठीक है। वहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा एक्चुअल प्रैक्टिकली, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कैसे यूज़ होता है वहाँ पर, तो ये सब हमें माइक्रोप्रोसेसर में पढ़ना है, माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर में, ठीक है। तो उसमें ये यूज़ होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मोस्टली, ठीक है। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 16, तो ये अभी हमने देखा कि इसका 16 जो है वो बेस है। जैसे ऑक्टल का बेस 8 है, बाइनरी का बेस 2 है, ठीक है, डेसिमल का बेस 10 है, हेक्सा का बेस 16 है। इट रिप्रेजेंट द नंबर फ्रॉम 0 to 15, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसका बेस 16 है तो वी कैन राइट द नंबर फ्रॉम 0 1 2 -- 15, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा बाइनरी में 0 से स्टार्ट करते हैं। सो इट विल बी अ 1, ठीक है। तो लास्ट नंबर आपका आएगा काउंटिंग के हिसाब से ये 16, तो दैट्स व्हाई इट्स बेस इज 16, बट वी कैन राइट द नंबर फ्रॉम 0 to 15 ओनली। सो 0 इज द मिनिमम नंबर और मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर दैट इज स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर विल बी द
ठीक है। जैसे हम ऑक्टल में 0 to 7 लिख सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पे 0 to 15 नंबर ही हम लिख सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 15, 15 इज द लास्ट डिजिट, ओके। बट उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो थोड़ा अलग है। 0 to 9 जो है वो एज इट इज, जैसे हम डेसिमल में लेते हैं 0, 1, -, 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 -
4 टाइम्स 0 मींस 0 इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म. तो सेम हेक्साडेसिमल में भी है 0 टू 9, ठीक है. ये आपका 1001 होगा, 1001 फोर डिजिट फॉर्म में, ठीक है. बट 10 जो आपका 1010 है, ठीक है, तो 10 इज रिप्रेजेंटेड एज अ ए, ठीक है. 11 बी, 12 को सी, ये कैपिटल में ही रहेगा, नॉट इन स्मॉल लेटर. 13 डी, ठीक है. 14 ई कैपिटल में, एंड 15 लास्ट वन एफ, ठीक है. तो यही यहाँ पे दिया है, 9 के बाद ए मीन्स 10, बी मीन्स 11, सी मीन्स 12, डी मीन्स 13, ई मीन्स 14, एफ मीन्स 15, ठीक है. तो ये चीज़ मेन है यहाँ पर हेक्साडेसिमल में, ठीक है. तो ये आप ध्यान में रखना, ठीक है. तो आपने जो नोटबुक बनाया है तो उसमें आपने ये पॉइंट नोट करना चाहिए, पॉइंट आपका पॉइंट लिख के, दैट इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इट हैज़ अ बेस ऑफ 16, मिनिमम मैक्सिमम नंबर आर 0 to 15, वी कैन राइट डाउन. तो ये डिटेल में लिखना है 0 to 9 इज एज इट इज़, एंड फ्रॉम 10 to 15 इट विल बी ए बी सी डी ई एफ, ठीक है. तो ये पॉइंट हर नंबर सिस्टम में, जैसे बाइनरी डेसिमल, इसमें ये पॉइंट आपको बुक में लिखना ज़रूरी है, तो आपको ध्यान में रहेगा. नहीं तो क्या है, पूरा डिजिटल के जब सब यूनिट्स हो जाएंगे फिफ्थ के फिफ्थ, एंड आपको नंबर सिस्टम याद नहीं रहेगा, फिर हेक्साडेसिमल का बेस क्या है, उसमें कितने नंबर लिख सकते हैं, ये सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं हमें, ठीक है. तो इसलिए ये चीज़ें आप नोट डाउन करके रखो अभी से, तो आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो वेट्स. वेट्स आपको पता है कि वेट्स हम जो भी नंबर सिस्टम का बेस है उसका पावर लेते हैं, ठीक है. तो हेक्सा का जो बेस है वो 16 है, ठीक है. जिस तरह से ऑक्टल का बेस था 8, बाइनरी का बेस था 2, ठीक है, एंड डेसिमल का बेस था 10, ठीक है. तो उसका रेस टू दी पावर लेते हैं हम, ठीक है. तो यहाँ पे भी सिंपल तरीका है, हेक्साडेसिमल का जो वेट्स रहेगा वो 16 रेस टू पावर, सेम फंडा यहाँ पे, ओके. डेसिमल पॉइंट के जो LHS में वो बेस रहे, सॉरी पावर जो रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, पावर्स ऑफ 16 विल बी पॉजिटिव इन द LHS साइड. इन द RHS साइड पावर्स ऑफ द बेस और 16 विल बी अ नेगेटिव, 16 रेस टू माइनस 1, 16 रेस टू माइनस 2 एंड सो ऑन, ओके. तो सेम फंडा रहेगा यहाँ पे भी जो बाकी नंबर सिस्टम है, ओनली द बेस विल बी चेंज बिकॉज इट इज़ हेक्सा, दैट्स व्हाई बेस इज 16, ओके. बाकी जो फंडा है वो सेम रहेगा LHS एंड RHS साइड के लिए पावर्स का, ओके. LHS साइड में पावर्स आर पॉजिटिव, इन RHS साइड द पावर्स ऑफ आर नेगेटिव, ओके. तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है. ये अगर आपका सपोज यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो LHS साइड में पावर्स पॉजिटिव 16:0, 16:1, 16:2, 16:3, ठीक है. RHS साइड में माइनस पावर है 16:-1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है. सो पुटिंग R, R मीन्स आवर रेडिक्स, रेडिक्स इज नथिंग बट द नोन एज अ बेस, ठीक है. R इज योर बेस एंड विच इज 16 फॉर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है. तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया है, मीन्स दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय द जो गिवन नंबर दिया है, ठीक है. जैसे X1, X2, X3 ये नंबर दिए, ठीक है. तो वो रिस्पेक्टेड नंबर्स को उसके पावर से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है. तो इस तरह से ये बेसिक चीज़ें है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का. अगर ये सब पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपके, ठीक है, देन वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स ऑन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम.
तो अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले अभी हम एक टेबल देखेंगे जो मेन है। जैसे मैंने लास्ट टाइम वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एक टेबल लेंगे, जब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा तो टेबल किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, उसका जो ट्रिक है, ठीक है, तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी हो गया है तो हमारे सभी नंबर सिस्टम का बेसिक स्टडी हो गया है, तो आपको ये अभी टेबल किस तरह से बनाना है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टेबल में हमने टोटल चार कॉलम लिए क्योंकि चार नंबर सिस्टम है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो आपको ये टेबल बना लेना है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम आपका 0 to 10 है, ठीक है, तो मीन 0 to 9, ठीक है। बट अभी हमें हेक्साडेसिमल नंबर भी लिखना है उसके, तो टोटल 0 to 15 नंबर्स हम लिख लेंगे। मीन्स इसमें आपका सभी नंबर्स आ गए, ठीक है। मीन्स आपका डेसिमल भी आ गए, बाइनरी तो आपको पता है 0 and 1, तो ये इधर ही आ गए आपका 0 and 1, ठीक है। देन उसके बाद ऑक्टल 0 to 7 एंड देन हेक्साडेसिमल 0 to 15, ठीक है। तो ये सभी नंबर सिस्टम आपके 0 to 15 में कवर हो जाते हैं। तो डेसिमल नंबर हमने लिए 0 to 15 तक, ठीक है। अब उसका बाइनरी नंबर लिखना है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर हमें किस तरह से लिखना है कि सबसे पहले आपको ये जो बी4 डिजिट है, ठीक है, हमें 4 बिट में लिखना है, B0, B1, B2 and B3, ठीक है। तो ये आप B4 छोड़ दीजिए, ठीक है, तो हम यहाँ से कंसिडर करेंगे B0, B1, B2, P3, ठीक है, 4 डिजिट फॉर्म में, ठीक है। तो ये B4 की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 5 डिजिट का लिया हुआ है, ठीक है। तो 4 डिजिट फॉर्म में क्या करोगे आप, अभी यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है, अगर आप एनालिसिस करोगे तो 8 times 0 है कंटिन्यूसली, ओके, दीज आर 8 zeros, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 8 times 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद B2 डिजिट पे आप ध्यान दो, यहाँ पे जो है 4 times 0 है, दिस इज 4 times 0, जिस तरह से ये 8 times 0s था, ठीक है, एंड उसके बाद 8 times 1s था, ठीक है, तो यहाँ पे 4 times 0s है, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटली 4 times 1, ठीक है, उसके बाद वापस 4 times 0s अल्टरनेटली एंड 4 times 1s, ठीक है। तो ये B2 हो गया आपका। अब देखो B1 की तरफ आप ध्यान दो तो क्या हो रहा है, 2 times 0 अल्टरनेटली, 2 times 0, 2 times 1s, 2 times 0, 2 times 1s, टू टाइम्स अल्टरनेटली, देन 0 0 1 1, अगेन 0 0, अगेन 1 1 1, 0 0 1 1, ठीक है। अब लास्ट जो बचा है वो B1, तो अल्टरनेट 0 and 1 का सीरीज है, ठीक है, दैट इज 0 then 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, अगेन 0 1, ठीक है। तो अल्टरनेट, तो इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना है। मीन्स पहले जो है B3 8 0s 8 1, ठीक है, बन गया B3, देन 4 0 4 1 4 0 4 1 अल्टरनेट, ठीक है, B1 में 2 0 then 2 1 2 0 2 1 अल्टरनेट, लास्ट वन में आपको 0 1 0 1, ठीक है। मीन्स आपको सिंपली वेट से याद रखना है, दिस इज़ 1, जैसे मैंने बोला कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो वेटेड नंबर सिस्टम है, 8 4 2 1, ये ध्यान में रखना, ये आपको ध्यान में आ गया तो ख़त्म। 8 है मीन्स 8 times 0 8 times 1, ठीक है। उसके बाद ये जो 4 है मीन्स 4 times 0 4 times 1 अल्टरनेटली लिखना है, ठीक है। B1 में क्या करना है, 2 times 0
टू टाइम वन एंड लास्ट वन में अल्टरनेटली जीरो एंड जीरो वन, जीरो वन जीरो वन, ठीक है, अल्टरनेटली लिख के जाना है। तो ये वेटेड नंबर सिस्टम है बाइनरी, दैट्स वाई उसका जो वेट है पोजिशन है वो 1 2 4 8, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक तरीका सिखाया था शॉर्टकट कि बाइनरी नंबर सिस्टम का जो आपका आंसर आएगा उसको कैसे टैली करना है डेसिमल टू बाइनरी का, ठीक है। तो उसमें हमने ये पोजीशंस लिए थे 1 2 4 8, ठीक है। तो यही वेटेड सिस्टम यहाँ पे यूज़ करना है। तो इस तरह से आप कोई भी डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर आप आराम से लिख सकते हो। तो पेपर में आपको पहले ये टेबल बना लेना है, क्योंकि क्या है आपके पास बाद में टाइम नहीं रहेगा, तो ये पहले टेबल बना लेना है एंड उसके बाद आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपके पास डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी नंबर भी है, ठीक है। एंड उसके बाद हमें थर्ड जो लगेगा वो हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। तो इतना समझने के बाद हेक्साडेसिमल नंबर तो इजी है, 0 to 9 एज इट इज़, जैसे आपके बाइनरी नंबर सॉरी डेसिमल नंबर है 0 to 9, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है 10 इज रिटन एज ए, ओके। उसके बाद बी सी डी ई एंड 15 इज रिटन एज एफ, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कंटिन्यू लिखना है। तो ये आपका पूरा टेबल हो गया डेसिमल बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, ठीक है। और ऑक्टल नंबर सिस्टम आपको ज़्यादा करके नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ डेसिमल पे फोकस करना है, बाइनरी नंबर किस तरह से लिखना है, हेक्साडेसिमल नंबर उसका, ठीक है। तो दिस इज़ द टेबल, तो ये ट्रिक है उसका, ठीक है। तो ये आपको आना ही चाहिए, नहीं तो इसके बिना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे अगर ये बी4 जो डिजिट दिया है, ठीक है, तो ये 5 bits फॉर्म में लिखा है बाइनरी नंबर, ठीक है। तो ऐसे 6 bit डिजिट 7 digits फॉर्म में लिख सकते हो, बट ज़ीरो कहाँ ऐड करोगे आप, लेफ्ट साइड में, ठीक है। क्योंकि अगर राइट साइड में आपने ऐड किया तो इसका पोजीशन या इसका जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आप जो भी ज़ीरो अगर ऐड करना है, जैसे अब ये आपका सपोज ये नंबर है, ठीक है, 4 नंबर है, 4 मुझे लिखना है सपोज 6 digit फॉर्म में, तो मैं किस तरह से लिखूँगा, 0 0, ठीक है, देन 0 1 0 0, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6 digit फॉर्म में डेसिमल का, कौन सा, 4, ये वाला, यहाँ पे मार्कअप किया है मैंने, ठीक है, मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। तो ये 6 digit फॉर्म में लिया, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, ये ऑलरेडी 5 digit फॉर्म में दिया है 0 0 100, ठीक है, 0 0 100, ठीक है। मैंने कहाँ क्या किया, 6 digit फॉर्म में चाहिए, तो 0 कहाँ पे ऐड किया मैंने, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में अगर आप कोई भी डिजिट ऐड करते हो 0, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा नंबर का। अगर आप यहाँ पे 0 ऐड करते हो RHS साइड में, तो अभी ये आपका 4 नहीं रहेगा, ये आपका बन गया है 8, देखो यहाँ पे ये नंबर है, ठीक है, ये आपका हो गया 1000। तो ये 1000 मीन्स 8 बन गया आपका ये, ठीक है। तो उसका वैल्यू तुरंत चेंज हो गया, RHS में 0 ऐड किया आपने, ठीक है, तो उसका वैल्यू चेंज हो गया। लेफ्ट में आप कितना भी 0 ऐड करो वैल्यू चेंज नहीं होगा नंबर का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये देखो आप पूरा कॉलम 0 ही है। बहुत सारे लोग ऐसा देखेंगे कि ये B4 क्यों दिया है और कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो B4 का कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि सभी जो नंबर्स है उसमें वो जीरोज लिए, ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने जो बाइनरी नंबर है वो 5 digit फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे B0 to B4, ठीक है। बट हमें रिक्वायर्ड है ओनली B0 to B3, क्योंकि हमने देखा कि ग्रुपिंग जो है हेक्साडेसिमल में वो 4 digits का ग्रुप होता है, इस B0 B1 B2 एंड B3। तो हमारा रिक्वायरमेंट सिर्फ 4 bits का ग्रुपिंग करना है, ना कि 5 and 6, ठीक है। एंड 5 6 आपको लिखना है, तो मैंने बोला कि आपको LHS में 0 ऐड करते जाना है, ठीक है। अगर 8 रहेगा तो आपको 4 0 ऐड करना है एंड उसके बाद नंबर लिखना है, ठीक है। जैसे अभी मुझे इसको लिखना है 8 को, ठीक है, तो मैं लिखूँगा 4 0 एंड उसके बाद 1000, ठीक है।
क्योंकि देखो यहाँ पे ये ग्रीन कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो हमारा बी थ्री टू बी जीरो जो है वो 1000 है, बी जीरो टू बी थ्री ये क्या आपका 1000, तो ये 1000 आ गया आपका, और एल एच एस में मैंने 4 डिजिट ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका 8 बीट में डेसिमल नंबर 8। ठीक है, इसी तरह से मैं 9 भी लिख सकता हूँ, 10 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 10 का क्या आएगा, 4 टाइम्स 0, 8 बिट फॉर्म में मुझे 10 लिखना है, 1001, 1001। सॉरी इट इज 1010 1010। ठीक है, तो ये हो गया 8 बिट फॉर्म में 10, डेसिमल 10 इज रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट फॉर्म एज अ 4 टाइम्स 0 देन 1010। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, दैट इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये ट्रेबल एक मेन चीज़ थी, ये आपको ध्यान में रखना है ट्रिक, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, रट्टा मारोगे तो क्या है, एक वन का जीरो भी हो गया यहाँ पे। ठीक है, एंड वो प्रॉब्लम ने आप में इसी तरह से अगर उसको लिखा सो टोटल आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक ध्यान में रखो और इस तरह से टेबल बनाना है। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे मेन प्रॉब्लम्स की तरफ, एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो जिस तरह से हमने ऑक्टाडेबल मेथड लिया था, ठीक है, कि डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें हेक्साडेबल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमने ऑक्टाडेबल मेथड से कन्वर्जन किया था डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो इसी तरह से यहाँ पे डेसिमल टू अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है, ठीक है, तो बेसिकली डेसिमल नंबर एज अ बेस ऑफ 10 एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द हेक्साडेसिमल हुज बेस इज 16, सो वी यूज द हेक्साडेबल मेथड ओवर हियर, ओके, विच इज सेम एज योर डबल डेबल मेथड एंड ऑक्टाडेबल मेथड, बट इंस्टेड ऑफ ओनली चेंज इज दैट इन डबल डेबल मेथड वी यूज टू डिवाइड द गिवन नंबर, ओके, बिकॉज द बेस ऑफ बाइनरी विल बी 2, हियर वील डिवाइड बाय द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम विच इज 16। ठीक है, तो 16 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डबल डेबल में 2 से कर रहे थे, ऑक्टाडेबल में हम 8 से डिवाइड कर रहे थे, हेक्साडेसिमल में 16 से डिवाइड करेंगे, इतना ही चेंज है। ठीक है, बाकी सभी स्टेप सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, टेक द डेसिमल नंबर, ठीक है, जो डेसिमल नंबर दिया है उसको लिखना है। सेकंड स्टेप, डिवाइड द नंबर बाय 16। ठीक है, तो 16 जो बेस है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, उससे हमें जो गिवन नंबर है उसको डिवाइड करना है। राइट डाउन द क्वेश्चन, ठीक है, जैसे हमने ऑक्टाडेबल मेथड में एंड डबल डबल मेथड में लिखा था। क्वेश्चन के बाद उसमें जो रिमाइंडर रहेगा, बाकी, ठीक है, इन हिंदी, ठीक है, तो बाकी को आपको लिखना है आरएचएस साइड में। ठीक है, और जो आपको ये मिलेगा रिमाइंडर, ठीक है, तो वो रिमाइंडर आपको 0 to 15 में ही मिलेगा, 16 नंबर नहीं रहेगा, 17, 18 ये ऐसा आएगा ही नहीं आपका आंसर, क्योंकि क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है, तो मैक्सिमम नंबर जो लिख पाओगे वो 0 to 15 है, तो जो रिमाइंडर मिलेगा आपको ये हमेशा ध्यान में रखना, वो 0 to 15 है। अगर 0 to 15 से अगर आपको ज़्यादा रिमाइंडर मिल रहा है, तो आप समझ लो कि आपने डिवीजन गलत किया है। ठीक है, इसी वजह से क्वेश्चन भी रॉन्ग हुआ है, क्वेश्चन की वजह से आपका रिमाइंडर रॉन्ग हो गया है। ठीक है, सेम फॉर ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल में हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 to 7 के बीच ही आएगा रिमाइंडर, अगर 8, 9, 10 आता है तो समझ लो आपने डिवीजन गलत किया है। ठीक है, तो सेम 0 to 15 में ही आपको रिमाइंडर मिलेगा। थर्ड स्टेप, डिवीजन ऑफ क्वेश्चन ऑकर्ड बाय 16। ठीक है, तो डिवीजन कंटिन्यूसली करते जाना है 16 से, रिपीट स्टेप 3 टिल क्वेश्चन इज नो लॉन्गर डिविजिबल बाय 16। तो जब तक नंबर आपका है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 16, ठीक है, तो वो आपका लास्ट स्टेज होगा। ठीक है, तो वहाँ तक आपको उसको डिवाइड करते जाना है 16 से, उसके बाद जो फाइनल आंसर रीड होगा दैट इज़ फ्रॉम बॉटम, ठीक है, दैट इज बॉटम में MSD रहेगा, टॉप में LSB रहेगा। ठीक है, तो बॉटम से लेके टॉप में आपको लिखना है आंसर, सो दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो इस तरह से ये आपके टोटल स्टेप से
कोई भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। तो अभी हम एक प्रॉब्लम लेते हैं इस पे, तो आपको ये क्लियर होगा। सो सी देर इज़ अ प्रॉब्लम दैट कन्वर्ट 2338 हुज बेस इज 10, दैट इज़ अ डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, डेसिमल नंबर दिया है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इन टू द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ वर्ड इस तरह से दिया है, एंड इन टर्म्स ऑफ सिम्बॉल्स इट इज़ गिवन एज दिस, ओके। तो अभी सोल्यूशन, तो सबसे पहले कॉलम बना लेंगे, जैसे हमने ऑक्टा डबल मेथड में भी लिया था, ठीक है, एंड डबल डबल मेथड में। अभी इसमें डिवाइड बाय 16 करना है ना, तो आपको इसमें स्टेप्स कम लगेंगे। जैसे डबल डबल मेथड में आपको 5-6 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, ऑक्टा डबल में उससे थोड़े कम, हेक्साडेसिमल में उससे कम आएंगे, क्योंकि 16 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे आपको जो डिवीजन है वो कम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले राइट डाउन द गिवन नंबर जो दिया है 2338, ठीक है। सेकंड स्टेप, डिवाइड द गिवन नंबर विथ 16, बिकॉज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16, ठीक है। तो 2338 को डिवाइड करोगे 16 से, सो द क्वेश्चन विल बी 146 एंड द रिमाइंडर विल बी 2, विच इज टेक आउटसाइड इन द RHS साइड, ओके। अगेन दिस 146 इज डिवाइड बाय अगेन बाय 16, ठीक है। सो द क्वेश्चन विल बी अ 9 आफ्टर डिविजन, ओके, एंड द रिमाइंडर इज अगेन 2, विच इज टेक आउटसाइड इन RHS साइड, ओके। अगेन इन थर्ड स्टेप 9 इज डिवाइडेड बाय 16 एंड दैट इज इम्पॉसिबल, ओके, बिकॉज इट इज़ नॉट डिवाइजेबल बाय 16, सो वी कैन टेक द लास्ट क्वेश्चन एज इट इज एज अ रिमाइंडर इन RHS साइड, सो दिस इज 9, ओके। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, सो MSB एट द बॉटम साइड। सो हाउ वी कैन राइट द आवर फाइनल आंसर, सो एट बॉटम साइड देयर इज अ MSB एंड एट द टॉप साइड देयर इज अ LSB एंड वी आर रीडिंग द नंबर फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, दैट इज फ्रॉम MSB टू LSB एंड विच इज आवर फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर कैन बी रिटन एज therefore 2338 दैट इज अ डेसिमल नंबर विच इज कन्वर्टेड इन टू द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एज फर्स्ट डिजिट इज 9 फ्रॉम बॉटम, सेकंड विल बी द 2, दिस इज 2, थर्ड डिजिट विल बी अ अगेन 2, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर, दैट इज फ्रॉम MSB टू LSB, दैट इज फाइनल आंसर इज 922H, H इज यूज फॉर हेक्साडेसिमल सिंबल, H मीन्स हेक्सा, ओके। सो फाइनल आंसर इज 922H मीन्स हेक्सा, ओके। तो इस तरह से लिखना ज़रूरी है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। तो इसी तरह से आपको और प्रॉब्लम सॉल्व करने ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे जो रिमाइंडर मिला है तो वो सब आपका 0 to 15 के बीच है, 15 से बड़ा मिलेगा ही नहीं आप, ठीक है। तो ये देखिए 2, 2, 9, ठीक है, ये सब 0 to 15 के बीच में है, ठीक है। सो आवर आंसर इज करेक्ट, 922H इज़ द फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको और भी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के और भी कुछ कन्वर्जन के ऊपर प्रॉब्लम्स लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।